तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए 70 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 204 रुपए 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो ऊपर में जो स्टॉक में एक रुकावट रेंज है वो 214 रुपीज पर है। 214 रुपीज पर देखें तो स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है। स्टॉक काफी टाइम से इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा था। नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो 200 रुपीज पर है। 200 रुपीज पर स्टॉक में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। स्टॉक ने इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक बाउंस बैक दिखाया था, जहां पर 212 रुपीज तक की रैली आती हुई नजर आई, पर ऊपरी लेवल पर अब इस स्टॉक के अंदर फिर से हल्का फुल्का मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते तो नीचे में 200 रुपीज का एक इम्पोर्टेंट स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट अराउंड 214 रुपीज। स्टॉक अगर 214 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है तो नेक्स्ट टारगेट स्टॉक के अंदर 230 रुपीज के बनते हुए नजर आएंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।